गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका अपने YouTube चैनल में। आज वाले वीडियो में हम इंजंक्शंस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। व्यादेश कितने तरीके के होते हैं, बस वही हम देखेंगे। अब व्यादेश क्या होता है, इंजंक्शन क्या होता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक बहुत लोगों को पता होगा कि व्यादेश क्या होता है। फिर भी अगर पहली बार किसी ने इस वर्ड को, इस शब्द को सुना है आज वाले वीडियो में मुझसे, तो वो मुझे लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि बहुत सारे मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं, या तो वो LLB कर रहे हैं या वो न्यूली पास आउट है, और जो कि नया नया लॉ को सीख रहे हैं, बेसिक से लॉ को देख रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आपको इंजंक्शन का मतलब नहीं पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इंजंक्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। बहुत सारे बुक्स में इंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो पूरी तरीके से तो नहीं बताया जाता है, एक जगह सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी है कि उनके प्रकार की तो चर्चा की गई होती है लेकिन उनके बारे में नहीं बताया गया होता है, और सारी बुक में एक ही चीज़ मिल जाए ऐसा भी कभी कभी संभव नहीं होता है। मैं किसी भी किताब या किसी भी बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ या उनमें कमियाँ नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन सब जितने भी राइटर हैं बड़े बड़े, उनके लिखने के तरीके हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बुक है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अभी जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये जो है प्री मेंस इंटरव्यू आपको तीनों में ही काम आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी किए जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में सुना है ये चीज़। तो आज आप देखिए कि इंजंक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजंक्शन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी व्यादेश के जिस प्रकार को हम देखने वाले हैं वो अवधि के आधार पर है। यानी अवधि के आधार पर व्यादेश के जो प्रकार है वो दो तरीके के हैं। सबसे पहले है परपिचुअल इंजंक्शन, जिसे हम शाश्वत या चिर स्थायी व्यादेश कहते हैं। दूसरा इंजंक्शन है टेम्प्रोरी इंजंक्शन, जिसे हम अस्थायी व्यादेश कहते हैं। तो देख लिया आपने, अवधि के आधार पर व्यादेश के दो प्रकार होते हैं, शाश्वत चिर स्थायी या फिर अस्थायी व्यादेश। दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजंक्शन बेस्ड ऑन देयर नेचर, प्रकृति के आधार पर व्यादेश के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ भी दो ही प्रकार हैं। सबसे पहले है मैंडेटरी इंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समादेशात्मक व्यादेश। दूसरा प्रकार है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, निषेधात्मक व्यादेश। तो ये देख लिया आपने, टोटल दो तरीके के अवधि के आधार पर और प्रकृति के आधार पर दो दो प्रकार हैं। तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये ऐसी चीज़ है कि आपको सपने में भी याद रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जल्दी ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए।